अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ सैयद तलाल शाह मौजूद हैं, जो कि पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में एलोकेट हुए सी एस एस 2019 में। और तलाल ने पहली अटैम्प्ट में सी एस एस क्लियर किया विद जॉब, और मास्टर्स भी कर रहे थे और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी और पहली अटैम्प्ट में। और तलाल जो है इस टाइम नियर पीयर पे इंस्ट्रक्टर हैं, इंटरनेशनल लॉ टीच कर रहे हैं। तलाल, आपसे हम जो आज पूछना चाह रहे थे, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि क्या 3 माह के अंदर सी एस एस की तैयारी मुमकिन है? थैंक यू हमजा फॉर द इंट्रोडक्शन। ये एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, ख़ास तौर पे इस टाइम अक्टूबर के एंड पे, कि क्या 3 माह में सीएसएस की तैयारी मुमकिन है या नहीं। इसमें देखें, कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती। हर इंसान के डायनामिक्स फ़र्क हैं, हर किसी का बैकग्राउंड फ़र्क है। तो मेरे अपने ज़ाती एक्सपीरियंस के मुताबिक मेरे लिए 3 माह में तैयारी करना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने 7 माह में तैयारी की। अब 3 माह में तैयारी करने के लिए जो सबसे जो मतलब यू आर द बेस्ट जज ऑफ़ योर सेल्फ, उसके लिए मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बता सकता हूँ। आप अपने आप को उस सांचे में ढाल के देख लें कि क्या आप उस क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, कुछ प्रीरेक्स हैं सी एस एस के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर क्या कमांड है, आपका एक्सप्रेशन कितना डिवेलप्ड है और ग्रामर आपकी कितनी फ्लॉलेस है, फिर आपने कितनी राइटिंग की हुई है पास्ट में। कुछ लोग होते हैं उनकी एकेडमिक बैकग्राउंड ऐसा होता है या उन्होंने फ्रीलांस राइटिंग काफ़ी की होती है, तो उनको एक्सपोजर मिल जाता है। इसके अलावा आपकी नॉलेज बेस कैसी है, आप कितने वेल रेड हैं, कितनी किताबें आपने पढ़ी हैं, आप अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स की हुई हैं तो उससे भी आपको एडवांटेज मिल जाता है। ख़ास तौर पर डिबेट्स का, डिबेटर्स को डेफिनेटली थोड़ा सा एज मिल जाता है आर्ग्यूमेंट्स वगैरह बिल्ड करने में। इसके अलावा ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, कि आपने अंडरग्रेड में क्या डिग्रीज़ की हैं। अगर तो आपकी डिग्रीज़ सोशल साइंसेस से रिलेटेड हैं जो आपको सीएसएस में कुछ ना कुछ हेल्प कर देती हैं, या एटलीस्ट आपने कोर्सेज़ कुछ ऐसे पढ़े हुए हैं, तो वो भी आपको डेफिनेट एज दे सकते हैं। अब जिन लोगों का एकेडमिक बैकग्राउंड सोशल साइंसेज से डिफरिंग है, साइंसेज का है, तो उनको डेफिनेटली थोड़ा सा ओवरबर्डन होना पड़ेगा। फिर बात अगेन 3 महीने पर आ जाती है। तो समिंग अप द स्टोरी, प्रीवियस बैचेज में लोगों ने 3 महीने में सीएसएस किए हैं, लेकिन मेरी ज़्यादा राय के मुताबिक मेरे लिए ये करना मुमकिन नहीं था। आप अपने लिए बेहतर खुद फैसला कर सकते हैं। मेरे बताए हुए क्राइटेरिया पर आप एक दफ़ा अपने आप को एवेल्यूएट करें। यू विल बी गेटिंग द आंसर फॉर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच सर।